फतेहाबाद के जवाहर चेक इलाके के दुकानदारों ने आज गंदगी की समस्या के चलते सड़क पर जाम लगा दिया। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद ने उनकी दुकानों के पास गंदगी को लेकर एक डंपिंग प्वाइंट बनाया है, जिसको लेकर यहां सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कूड़ा उठाने का कार्य चलता है, जिससे उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है। गंदगी के कारण इस इलाके के आसपास भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता और वहीं दुकानदारों को भी बदबू सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दुकानों के पास गंदगी के ढेर से परेशान दुकानदारों ने विरोध स्वरूप आज जाम लगा दिया। दुकानदारों का आरोप है कि वे लोग इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, यहां तक कि सीएम विंडो में भी शिकायत लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। दुकानदारों द्वारा किए गए प्रदर्शन के कारण करीब एक घंटे तक सड़क पर जाम लगने के कारण यातायात प्रभावित रहा। नगर परिषद के आश्वासन के बाद जाकर दुकानदारों ने जाम को खोला। कारण कि सुबह आते हैं दुकान खोलते पहले यहाँ पे कचरा होता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, सारे दिन हर दो मिनट बाद रेडी कचरा फेंकने आ जाती है, इससे आम जनता को परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है। ये सुबह 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक इनका सारा यही काम चलता रहता है। आम कस्टमर भी परेशान हो जाते हैं, दुकानदार भी परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे इतनी दिक्कत है कि सफाई का नामो निशान नहीं है। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।